हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सी सेट की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज और आप कह सकते हैं केसलेट। ओके, केसलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर केसलेट में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की फॉर्म में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। अब वो डाटा आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो डिपेंड करता है, जैसे भी आपके पास स्टेटमेंट है कि आप टेबल की फॉर्म में डाटा बना सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पास में आप कह सकते हो वेन डायग्राम की फॉर्म में भी डाटा जनरेट हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मेनली आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपके पास में डाटा गिवन है तो पहले क्या करना है, जैसे कि हम जैसे रीजनिंग में आप लोग करते हो, पजल सॉल्व करते हो ना, तो पहले क्या करते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो। इसी तरह से इसके अंदर होता है, जब आप केसलेट पे काम कर रहे हो तो आपके पास सारे एक स्टेटमेंट गिवन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है आपके पास में, ठीक है। अब उस स्टेटमेंट के ऊपर आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करना होता है कि हमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा गिवन है उसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लेके आना है, सो दैट कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो वो डाटा हम इजीली यूज कर सके। ओके, होता भी यही है कि जब भी केसलेट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो बस एक बार आपको सोल्व करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का लेवल ईजी होता है। अगर आपके पास में डाटा है, आप डाटा फाइंड आउट कर चुके हो, तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हो, बट अगर नहीं तो उस केस के अंदर वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे ही है, सोल्व करते हैं, देखिए क्या गिवन है आपके पास में। हाँ जी, यहाँ पे है आपके पास इन एन एनुअल सेमिनार, स्पेस का मैं एक मिनट क्वेश्चन को हटा लेते, ये देखते हैं, कल सिर्फ इसी को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन एन एनुअल सेमिनार 3 कंपनीज ABC सम मेल एंड फीमेल इम्प्लॉयज रिप्रेजेंट देयर कंपनीज। एक कंपनी है, कह रहे हैं कि सेमिनार के अंदर 3 कंपनीज है ABC, उनके इम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल एंड फीमेल के साथ में। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट A and B इज 420, टोटल नंबर ऑफ मेल इम्प्लॉयज इन A and B आर 1620, नंबर ऑफ फीमेल इम्प्लॉयज इज 2/3 and 2/5 ऑफ द मेल इम्प्लॉयज इन A and B रेस्पेक्टिवली। अब देखो थोड़ा सा तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, 2 तरीके का आप कर सकते हैं। पहले आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट को रीड करोगे, ठीक है, उसके बाद में उसको सॉल्व करना शुरू करोगे। तो उसके अंदर पहले तो हमने पूरी स्टेटमेंट को रीड किया, उसके अंदर हमारा टाइम लग गया। एक दूसरा तरीका क्या है कि साथ साथ में जो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको शॉर्ट फॉर्म में साइड में आप लिखते हुए चलो, ठीक है, सो दैट कि आपको बार बार ना रीड करना पड़े। सेम जैसे हम पजल में करते हैं, है ना, तो जैसे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को आप साइड में नोट डाउन करना शुरू कर दो। ओके, जब उस इन्फॉर्मेशन की जहाँ पे जरूरत होती है उसको वहाँ पे पुट कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपको इसको बार बार नहीं रीड करना पड़ेगा। और इट डिपेंड्स कि हाँ जी, जो ये आपके पास में एक पैराग्राफ एग्जाम के अंदर आ रहा है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ जी यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैराग्राफ आ जाए, तो उसके अंदर आपका टाइम लगेगा उसको बार बार रीड करने में, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को साइड में लिखते चलो, ठीक है, और एक फॉर्मेट के अंदर उसको नोट डाउन करते हुए चलो। जब आपके पास में साफ सुथरा डाटा मिल जाएगा आपको, तो आप क्वेश्चन के अंदर उसको ईजिली यूज़ कर पाओगे। ओके, तो ये मेन मेथड होता है कि हाँ जी केस स्टडी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहीं पे अब मैं पूरा नहीं रीड कर रही एक बार, तो ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे जो मेन पॉइंट मिल रहा है वो क्या है कि 3 कंपनी है ABC, 3 कंपनीज है, कौन कौन सी, ABC, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की। किसकी बात हो रही है, मेल और फीमेल, मेल हमें ये पता चला इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, अब जैसे जैसे डाटा गिवन है यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट A and B इज 420। फीमेल जो है वो उसकी एवरेज है। अब एवरेज भी बेस्ड आपका क्वेश्चन है, तो एवरेज अगर आपके पास गिवन है मेल फीमेल, दैट मीन्स कि 2 है, तो आपको टोटल फाइंड आउट करना है अगर मेल और फीमेल का, दैट मीन्स कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट ए, ए की जो फीमेल है, ठीक है, और ए की जो बी है, बी की फीमेल्स हैं, उनका टोटल कितना है। हाँ जी, दिस इज द एवरेज, एवरेज है तो टोटल के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स कितना आ गया हमारे पास, 480 आ गया। कितना था, 420 है,
तो सॉरी 480 नहीं आएगा बेटा, 840 आएगा, दो से जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 840। ओके, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। आगे देखो, आगे क्या इंफॉर्मेशन, टोटल मेल इंप्लॉइज इन ए एंड बी इज 1620। अब यहाँ पे देखो टोटल है, ध्यान देना, यहाँ पे टोटल है ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एवरेज था, एवरेज था तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब टोटल है तो हमने जस्ट टोटल लिखना है, क्या ए और बी के मेल जो है वो कितने हैं टोटल, 1620। ये आपके पास गिवन कितने, 1620। अब देखो, अब अगेन इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया हुआ है कि नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इज 2/3 एंड 2/5 ऑफ मेल इंप्लॉइज इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दैट मींस कि जो यहाँ पे फीमेल है ना, ये फीमेल ठीक है ना, इसको हमने मेल की फॉर्म में अगर हम देखें तो फीमेल कितने, 2/3। दैट मींस कि 2/3 ऑफ मेल ठीक है एंड 2/5 ऑफ बी के मेल, ये किसके इक्वल है, 840, यही लिखा है हमने। देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, 2/3 एंड 2/5 ऑफ द मेल इंप्लॉइज इन ए एंड बी, तो यहाँ पे फीमेल को मैंने मेल में ले लिया, यहाँ पे भी मेल में ले लिया, यही किया है हमने। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो ठीक है ना, अब उसके बाद में टोटल फीमेल इंप्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी इज 25% मोर देन टोटल इंप्लॉइज ऑफ फीमेल इंप्लॉइज हु रिप्रेजेंट ए। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो मुझे ए और बी का डाटा मिलेगा, तभी मैं फर्दर सी का डाटा फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए और बी के लिए मेल और फीमेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करोगे, अब यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 ऑफ मेल ऑफ ए प्लस 6 ऑफ मेल ऑफ बी इज इक्वल टू, ये 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 से 15 चौके 60, 15 8 120, 126 आ गया ठीक है। अब ये जो हमारे पास में वैल्यू थी यहाँ पे ठीक है, ये था एक इक्वेशन, तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके साथ में हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो दो इक्वेशन बन गई ना आपके पास में, एक इक्वेशन ये है और एक ही, इन दोनों की हेल्प से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 10 मेल ऑफ ए प्लस 10 मेल ऑफ बी इज इक्वल टू 1620। ओके, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 मेल ऑफ बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में 00 एंड दिस इज ये 12 से ये हो गया 6 और ये हो गया आपके पास में 3। तो ये भी माइनस में वैल्यू आ रही है, मेल ऑफ बी कितना आ गया आपके पास में 900। ये वाला पॉइंट क्लियर है, मेल ऑफ बी आ गया आपके पास 900, यहाँ पे हमने लिख दिया 900 मेल ऑफ बी 900। ओके, अब उसके बाद में जब हमें मेल ऑफ बी पता है, यहाँ पे गिवन है क्या, मेल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1620, इसमें से 900 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ए के मेल आ जाएंगे कितने आ गए, 720। कैसे किया, 1620 में से 900 को माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब उसके बाद में क्या कहा गया था यहाँ पे कि फीमेल क्या है, 2/3 एंड 2/5। अब इसका अगर मैं 2/3 देखती हूँ, 720 का 2/3 अगर हम देखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में 24 × 48 480 आ गया बेटा। क्या किया हमने, इसका 2/3 कर लिया ठीक है, और बी के कितने हैं, 2/5, इसका हम 2/5 जब करते हैं ठीक है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो गया 5 से 5 एकम 5, 4 × 5 = 48, 360 आ जाएगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, टोटल फीमेल इंप्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी, फीमेल इंप्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी इज 25% मोर देन टोटल फीमेल इंप्लॉइज हु आर ए, इससे 25% मोर है। 480 का 25% कितना हो गया, 1/4, 1/4 मीन्स कितना हो गया, 120, 120 इससे ज्यादा है ठीक है, दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में, 600। ओके, एंड गिवन दैट कि टोटल मेल इंप्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी इज 33:1/3% मोर देन द फीमेल इंप्लॉइज ऑफ बी, इसका 33:1/3 है, 33:1/3 मींस 1/3 ठीक है, हाँ जी, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो गया,
हाँ जी, वन थर्ड हो गया 120, वन थर्ड ज्यादा है, दैट मीन्स कि 120 इसके अंदर हम ऐड कर दें, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में? यस दिस विल बी 480, ठीक है। हाँ जी, वन थर्ड इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 480 आ गया, क्लियर। तो ये हमें एक डाटा मिल गया, इस डाटा को अब हमने फर्दर यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आई होप सभी को क्लियर है। सबसे पहला काम यही है, अब मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लग गया, बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपका एग्जाम में, जस्ट जल्दी जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करनी है सारा, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास में ये पूरा डाटा आ गया ए बी सी का, मेल एंड फीमेल का। अब इस डाटा को हमने फर्दर यूज करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, अभी यही डाटा मैंने उठा लिया यहाँ पे, ठीक है, यही था आपके पास में। हाँ जी, यही सेम डाटा हमने यहाँ पे पिक कर लिया, देखो यही था 480, 600, 900, 360, यस देखो सेम डाटा है। अभी इसी सेम डाटा से हम क्वेश्चन करते हैं, क्या है, तो टोटल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट ए इज व्हाट मोर परसेंट मोर देन द टोटल मेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट बी। अब देखो टोटल एम्प्लॉयज ए के कितने हैं, यस इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये कितना हो गया, 7 और 4, 11, 1200 हो गया, ठीक है। एंड मेल एम्प्लॉयज ऑफ बी कितना है, 900। ये क्या कह रहा है, कितना परसेंट मोर है, तो कितना ज्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना, 1200 से 900 गया, 300 आ गया आपके पास में। कह रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, 300 किससे, बी के मेल से, तो डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, 1/3 आ गया, 1/3 की वैल्यू होती है आपके पास 33:1/3%। ओके, सो आंसर विल बी 33:1/3%। इज इट क्लियर, बिल्कुल कोई डाउट इसके अंदर किसी को? हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 25% ऑफ टोटल फीमेल इम्प्लॉयज एंड 20% ऑफ टोटल मेल इम्प्लॉयज रिप्रेजेंट बी एंड सी टूगेदर हैव एमबीए डिग्री, उनके पास क्या है, एमबीए की डिग्री है, एंड देन फाइंड द टोटल एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव एमबीए डिग्री। अब कह रहे हैं कि उनके पास में जिनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है वो फाइंड आउट करना। अब देखो 25% फीमेल के पास में क्या है, एमबीए की डिग्री है, दैट मीन्स कि कितने के पास नहीं है, 75% ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। इसी तरह से 20% ऑफ मेल के पास है, दैट मीन्स कि कितने के पास में नहीं है, अगर मैं देखूं 80% के पास में डिग्री नहीं है, यही है सिंपल। अब देखो यहाँ पे पहले क्या कहा, 25% ऑफ टोटल फीमेल इम्प्लॉयज, फीमेल इम्प्लॉयज ऑफ बी एंड सी, देखो आप ये है आपके पास में बी एंड सी की फीमेल इम्प्लॉयज, अगर मैं देखूँ तो ये हो गया बच्चे आपके पास 960, ठीक है। अब 960 का 75% जिनके पास में डिग्री नहीं है, इसके अलावा 20% ऑफ मेल इम्प्लॉयज, अब इसका हम टोटल करते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास में, 1380। अब 1380 का कितना, 80%, सो 80%, ओके यही है, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करोगे तो ये हो गया आपके पास में 25 × 75, 25 × 100, 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 16, 24 × 3 = 72, ठीक है। और ये आपके पास में इसको आप सोल्व करोगे ये हो गया आपके पास 8 × 8 = 64, सभी का टोटल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, सो दिस विल बी 4, 2, 8 and 1, सो 1, 8 to 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने यही बताया, एक बार डाटा मिल गया उसके बाद तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, कोई टाइम नहीं लगना आपका, ठीक है। पहले हमने बस ये देखना है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आपको डाटा बिल्कुल क्लियरली फाइंड आउट कर लेना है, सो दैट कि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल मेल इम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर, मेल इम्प्लॉयज हमने फाइंड आउट करना है बी एंड सी टुगेदर टू टोटल फीमेल इम्प्लॉयज ऑफ ए एंड बी, फीमेल ए एंड सी, इसकी रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। फीमेल बी एंड सी के, बी एंड सी के अगर हम मेल देखें, ये वैल्यू है, दिस इज 1380, ओके। एंड अगर फीमेल अगर हम देखते हैं किसकी, ए और सी की, देन फीमेल ए एंड सी, दिस इज 0, 8 and 1, 0, ठीक है। कितना आ गया, 1, 0, 8, 0, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 6 से चला जाएगा, 6 से ये हो गया आपके पास 2, 6 से ये हो गया, दैट मीन्स व्हाट, 23:18 will be the correct answer,
ओके यस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल इंप्लॉयज हु रिप्रेजेंट सी एंड टोटल फीमेल इंप्लॉयज हु रिप्रेजेंट बी। हाँ जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं टोटल मेल इंप्लॉयज हु रिप्रेजेंट सी, मेल इंप्लॉयज कितना है 480। उसके अलावा क्या कह रहे हैं फीमेल इंप्लॉयज रिप्रेजेंटिंग बी, फीमेल इंप्लॉयज कितनी है बी की, ये है। अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 480 माइनस 360 दैट मींस की 120। ओके सो 120 विल बी द करेक्ट आंसर, 120 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको सी सेट के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके फॉर एग्जांपल अगर आपको डीआई में प्रॉब्लम आ रही है या फिर प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, पजल्स में प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में दिक्कत आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट को ले सकते हो। ओके डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको ले सकते हो। हाँ जी उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट केस स्टडी है। हाँ जी देखिए क्या है, ए को एजुकेशन स्कूल हैज 4000 स्टूडेंट्स, द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन 5 डिफरेंट एक्टिविटीज, गार्डनिंग, डिबेट, एक्सटेम्पोर, क्विज एंड डांस। अब यहाँ से हमें पता चल गया यहाँ तक कि आपके पास में कुछ एक्टिविटीज गिवन है, कोएड एजुकेशन सिस्टम है, दैट मीन्स कि बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ। ओके दैट मीन्स कि जब मैं अपना डाटा कलेक्ट करना शुरू करती हूँ तो कैसे करेंगे हम, को एजुकेशन है 4000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्या गिवन है आपके पास कि टोटल 4000 स्टूडेंट्स है जिसके अंदर से बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या है 3:2 है, 3:2 है, दैट मीन्स कि 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 4000, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 800, सो 3 इज इक्वल टू 24 एंड 2 इज इक्वल टू 1600, दैट मीन्स कि 2400 क्या है आपके पास में, यस yes, ये क्या था बॉयज टू गर्ल्स ना, तो ये हो गया हमारे पास बॉयज और ये क्या है आपके पास में गर्ल्स। हाँ जी इसमें कोई इश्यू किसी को, बिल्कुल क्लियर है, रेशियो से हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे देखो आपके पास में जो जो एक्टिविटीज गिवन है वो लिख लेते हैं हम, ताकि हमें जो डाटा मिलेगा उसके अंदर हम पुट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है गार्डनिंग, सेकेंड वन इज डिबेट, उसके बाद है एक्सटेम्पोर, उसके बाद है क्विज एंड देन डांस, देयर आर 5 एक्टिविटीज, यही है 5 डिफरेंट एक्टिविटीज है। अब इसके अंदर क्या है बॉयज और गर्ल्स, ओके अब यहां पे देखो अब जो जो डाटा गिवन है उसके अंदर हम पुट करते हुए चलेंगे उसको। ओके अब देखो क्या क्या है, 16% ऑफ टोटल बॉयज एंड 28% ऑफ गर्ल्स आर इन एक्सटेम्पोर एंड गार्डनिंग, मीन्स कि यहाँ पे जो 16% देखो रिस्पेक्टिवली जब आता है ना तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है 16% ऑफ बॉयज एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर के अंदर ये है 16% ऑफ बॉयज, दैट मीन्स कि 16% और बॉयज कितने हैं आपके पास में, यस यहाँ पे हमें पता है कि बॉयज कितने हैं आपके पास 2400। ओके इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आगे ही आ जाएगा आपके पास में 624 का 16 चौके 32 और 6 38, ठीक है कितना आ गया आपके पास 384 आ गया, डन। और साथ में क्या कहा 28% ऑफ गर्ल्स गार्डनिंग, गार्डनिंग के अंदर गर्ल्स 28%, दैट मीन्स कि 28% ऑफ गर्ल्स अगर हम चेक करते गर्ल्स है हमारे पास 1600। ओके तो ये हो जाएगा 16 8 128, 16 2 32 और ये हो गया आपके पास यस 32 और 12 44 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में गर्ल्स आ गई, वैल्यू को मैं इन सर्कल कर रही हूँ सो दैट कि जो हमें एग्जैक्ट डाटा मिल गया वो आपका ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखो क्या कह रहा है कि 1/5 ऑफ द बॉयज आर इन डांस एक्टिविटीज, 1/5 ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं आपके पास में 2400 है, इसके अंदर डांस एक्टिविटी के अंदर कितने हैं आपके पास, यस कहाँ था आपके पास ये रहा 1/5 ऑफ द बॉयज, ठीक है दैट मीन्स कि 1/5 ऑफ 2400 ये हो गया आपके पास
5 6 20 5 8 40 480 आ गया. ओके तो ये हमारे पास में बॉयज आ गए. देन गिवन दैट आर इन डांस एक्टिविटीज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज इन एक्सटेम्पोर इज 2:3. एक्सटेम्पोर के अंदर बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो, गर्ल्स टू बॉयज है. यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा गलत रीड करोगे वहीं पे गलती हो जाएगी. गर्ल्स टू बॉयज इज 2:3. ठीक है, गर्ल्स टू बॉयज इज 2:3. एक्सटेम्पोर में ये है 384. अब ये कितना हो जाएगा, 2:3 ऑफ 384. ये वैल्यू आ गया आपके पास में 256. ओके, एक्सटेम्पोर के अंदर गर्ल्स आ गया आपके पास. आगे देखो क्या है, आगे आता है 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन डिबेट कॉम्पिटिशन. डिबेट के अंदर टोटल का 25%, टोटल था आपके पास में 4000. ठीक है, अब 4000 का 25%, दैट मीन्स कि डिबेट के अंदर टोटल कितने हैं, 1000 स्टूडेंट्स. इसको मैंने साइड में लिख लिया क्योंकि अभी मैंने टोटल का हमने कॉलम नहीं बनाया था. ओके, अब देखो आगे क्या गिवन है आपके पास. यस, गर्ल्स इन डांस आर 60% ऑफ द बॉयज इन द सेम गेम. अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कितना 480 और गर्ल्स कितनी है इसकी 60% है. दैट मीन्स कि 60% ऑफ 480, यही कहा गया है. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 48, 6 6 24 और 4 28, 288 आ गया. हाँ जी, कितना आ गया, 288 आ गया. अब देखो आगे क्या है. Next, given that 22% of the girls are in quiz. 22% of girls are in quiz. Quiz के अंदर 22% है. Girls कितनी थी, 1600. इतना ही आएगा. देखो ये आ गया आपके पास में, quiz की girls आ गई. Then given, अब यहाँ पे देखो आपके पास में the remaining girls are in debate. बाकी की जो girls हैं वो किसके अंदर है, debate के अंदर. That means कि अगर हम यहाँ पे debate के अंदर पहुँचते हैं तो debate में आप देखो कि total number of girls हमारे पास 1600 और इसके अंदर से हमने इन सभी की वैल्यू को माइनस करना है. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 10 10 14. यस, दिस इज 4, दिस इज 4 to 6 6 5 11 11 and 2 13. देखो बेटा इतना आ गया. एक बार कैलकुलेशन एक बार दोबारा से चेक कर लेने, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं. टोटल गर्ल्स हमारे पास 1600 जिसके अंदर से कह रहा है कि ये हम माइनस करते हैं, ये हो गया 8 6 14 14 और 10 24 9 9 और 13. यस, इतना ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो कितना आ जाएगा, 256 आ गया. डन, 256. अब हमें पता है कि हाँ जी जो डिबेट है, डिबेट के अंदर टोटल 1000 स्टूडेंट है. हमने अभी पहले रीड किया तो अब 1000 है. दैट मीन्स कि डिबेट के अंदर बाकी के कौन है, बॉयज है. बॉयज कितने हो जाएंगे, 1000 से इसको हम माइनस करेंगे 256 को, तो ये वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 744 आ जाएगी. हाँ जी, कितना आ गया आपके पास में, 744 आ गया. क्लियर. नेक्स्ट गिवन क्या है आपके पास कि 18% ऑफ बॉयज आर इन गार्डनिंग. गार्डनिंग के अंदर कितने, 18% ऑफ टोटल बॉयज. टोटल बॉयज कितने, 2400 है. ये हो गया आपके पास 18 6 72, 18 2 36 36 और 7. ओके, अब यहाँ पे एक रह गया, क्या, क्विज का रह गया. अब यहाँ पे जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्विज के अंदर होंगे बॉयज. एंड वी नो दैट टोटल बॉयज आर 2400. 2400 के अंदर से आप माइनस कर दोगे इन सभी का टोटल. अब इन सभी का टोटल करते हैं, ये हो गया 8 2 10 7 8 15 15 और 8 23 23 और 1 24. ये हो गया आपके पास 20. ओके, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दिस वैल्यू विल बी 360. ये देखिए कितना टाइम लगा, कुछ नहीं. और आप जब खुद से करोगे ना, देखो दोनों चीज बातों में फर्क होता है. थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा जब हम खुद से करते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है. जब हम आपको समझाते हैं उस केस के अंदर, हमें एक एक पॉइंट भी बताना होता है तो इसके अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है. इस बात का ध्यान रखना, जब आप खुद करोगे तो आपका इसके अंदर कोई टाइम नहीं लगना इतना. ओके, अब ये देखो सारा डाटा हमारे पास में आ गया. क्या है, गार्डनिंग 432 448. ठीक है, डिबेट के अंदर बॉयज है 444, गर्ल्स है 256. नोट डाउन कर लो. ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने. एक्सटेम्पोर में 384, 256, देन क्विज के अंदर 360 एंड
352, देन इन डांस दिस इज 480 एंड 288, ओके। अब इसी डाटा को हम फर्दर क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, ओके। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन, चलो बताओ विच, अब वही सेम डाटा है, हाँ जी, जो अभी हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है अपनी इन्फॉर्मेशन से, तो वो सारा के सारा डाटा यहाँ पे टेबल की फॉर्म में मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। अब देखो क्या, विच एक्टिविटी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, हाँ जी नंबर ऑफ बॉयज़ बताने, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने किसके अंदर बताने, डिबेट के अंदर, डिबेट डिबेट कहाँ पे है आपके पास, विच एक्टिविटी, हाँ तो यहाँ पे देखो ये डिबेट जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बॉयज़ है, कितने 744 बॉयज है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिबेट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके यस। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एक तो ये है कि हाँ जी आप पर्टिकुलर कोई सेक्शन ले सकते हो, इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको क्वांट में दिक्कत है तो आप क्वांट नहीं ले सकते, आप पूरा कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ले सकते हो, ठीक है। वीडियो कोर्स अवेलेबल है और हर एक लेक्चर के साथ में आपको PDF अटैच्ड मिलेगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा एक टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा हर एक लेक्चर के साथ में, जो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग भी अवेलेबल है, इसी के साथ में इंग्लिश भी अवेलेबल है। अब ये हो गया कि अगर मुझे क्वांट के अंदर प्रॉब्लम आ रही, क्वांट ले सकते हो आप, लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पूरा कंप्लीट चाहिए, इन दैट केस यू कैन टेक द कंप्लीट कोर्स, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन की भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको फुल सब्सक्रिप्शन चाहिए 1 month, 6 month, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जी 1 year, तो ऑब्वियसली 6 month और 1 year की तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम अभी अक्टूबर में होना है, ठीक है, तो 1 month की आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसके अंदर सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। वन मोर थिंग कि इसके अंदर अभी क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है तो हम एक आपको डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आप नोट डाउन कर लो, जब आप वो फिल करते हो तो उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी नोट डाउन कर लीजिए, कूपन है, कूपन कोड है आपके पास, यस कूपन कोड नोट डाउन कर लो, दिस इज APT MKA, जब आप ये कूपन कोड, जब आप उसको परचेज करते हो आफ्टर गोइंग टू द कार्ट, आप जब आगे प्रोसीड करते हो तो उस केस के अंदर ऑप्शन आती है कूपन की, और आप अगर कूपन यहाँ पे ये अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी स्टूडेंट्स को, ओके। तो आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश ले सकते हो, इसके अलावा कोई भी जो आपके पास में माइक्रो कोर्सेज है माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो, ओके। तो सी सेट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर क्वालिफाई भी नहीं कर पाए फिर क्या करेंगे, खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा देखो आपको पता है प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है हमारी, प्रीवियस ईयर की सीरीज के अंदर 6 year के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए आप लोगों के साथ में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ये हमारा एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स चल रहा है, इसको आप रजिस्टर कर सकते हो, दीज आर टोटली फ्री, कोई उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। पर जो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम अटेम्प्ट करना है और उस केस के अंदर उसको 10th के बाद उन्होंने मैथ किया ही नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो उस केस के अंदर उनको दिक्कत आ जाती है कि हाँ जी अभी कैसे करें, तो उसमें आप कंप्लीट कोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है सी सेट की, देन कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। खासकर जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से जिन जो टच में नहीं है मैथ लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश के, इंग्लिश तो चलो चलता ही रहता है, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है ना, तो वो ये ले सकते हो। और सभी को पता है इस बार सी सेट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 43 क्वेश्चन आए हुए थे 2020 के अंदर, दैट मीन्स कि क्वांट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सी सेट के एग्जाम के अंदर, तो क्वांट तो बेटा अच्छे से कर लो आप लोग। हाँ जी आंसर आ गया होगा सभी का, देखिए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट के अंदर गर्ल्स कितनी है, डिबेट के अंदर गर्ल्स कितनी है, 256, ओके, सो 256 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यस द नंबर ऑफ बॉयज इन डांस फॉर्म व्हाट परसेंट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम एक्टिविटी, हाँ जी डांस के अंदर बॉयज कितने हैं 480 एंड गर्ल्स कितनी है 288, तो कितनी परसेंटेज है ये 480, गर्ल्स फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द सेम, सेम इज 288 इंटू 100। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, सॉल्व करने की पूरी जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ से देखिए कि 100% से तो वैल्यू ज्यादा ही जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं नियर बाय वैल्यू लेती हूँ, मैं इसको 3 ले लेती हूँ,
ठीक है, तो ये कितना हो गया 160 के नियर बाय वैल्यू आ जाएगी, 160 के नियर बाय। अगर हम इससे ज्यादा वैल्यू, दैट मींस कि 160 से ज्यादा जाएगा, तो 160 से ज्यादा ऑप्शन डी ही है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज फॉर्म। क्विज कहाँ है आपके पास, ये रहा द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज फॉर्म, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। हाँ जी, क्विज के अंदर है आपके पास कितने गर्ल्स, 360, और कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 4000 थे, 4000 थे, तो ये कितना हो गया आपके पास में, यस 360 डिवाइडेड बाय 4000 इनटू 100। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स पूछे बेटा, बॉयज नहीं है, दीज आर गर्ल्स, ध्यान से करना है इसको, गर्ल्स, गर्ल्स आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी है, 352 है, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 4 8 32, 4 8 32, दैट मीन्स 8.8%, सो आंसर विल बी 8.8%, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एक्सटेम्पोर एंड डिबेट टुगेदर। एक्सटेम्पोर एंड डिबेट के बॉयज आपको फाइंड आउट करना है, तो डिबेट में कितने, 444, एंड एक्सटेम्पोर के अंदर बॉयज कितने, 384। अगर इनका टोटल करते हैं, दिस इज 8 2, एंड ये हो गया 4 10 10 और 11 28, सो 11 28 विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, सभी आज के क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में हम डिस्कस करेंगे, तो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है उसका भी लिंक अवेलेबल है, जो ये हमारा कोर्स है एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स है, इसका भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि सभी लेक्चर्स आपको विद PDF अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे, ओके, सो सभी ने ज्वाइन करना है उसे, हाँ जी, उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जो इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे, ओके, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।